नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीजेल WL-53 ड्रॉप्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन परेशानियों में दवाई पेशेंट्स में दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है और क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को दिया जाता है हाइड्रोसिल में। हाइड्रोसिल क्या होता है कि हमारे टेस्टिकल्स में खासतौर पर यह दवाई दी जाती है ऐसे पेशेंट में, पुरुषों में, अगर अंडाशय में टेस्टिकल्स में स्वेलिंग देखने को मिलती हो, सूजन आ गई हो या एनलार्जमेंट देखने को मिलती हो, जहां पर पेशेंट को ये समस्या पेनलेस भी हो सकती है या फिर कई बार पेन भी आ सकता है, बर्निंग सेंसेशन भी कई बार हो जाती है, एक टेस्टिकल्स में हो सकती है या फिर दोनों टेस्टिस में हो सकती है। ऐसे केसेस में हाइड्रोसिल के ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। ये किसी इन्फेक्शन के कारण, इंजरी के कारण ऐसा देखने को मिलता है कि पेशेंट को वहाँ इन्फ्लामेशन भी आ जाती है, सूजन आ जाती है, या फिर पेशेंट को वहाँ पर पानी भरा हुआ देखने को मिलता है, बिल्डअप ऑफ फ्लूइड देखने को मिलता है, यानी फ्लूइड के इकट्ठा हो जाने से वहाँ पर पेशेंट के जो टेस्टिस होते हैं वो लटक जाते हैं। वहाँ पर उनको उसका साइज नॉर्मल से ज्यादा देखने को मिलता है, वो एक में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में लड़कों में या फिर अडल्ट में, बच्चों में ये मेडिसिन दी जाती है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो कुछ होम्योपैथी दवाइयां इसमें डाली गई हैं, जैसे एपिसमेल। ये दवाई स्टिंगिंग पेन में भी असरदार रहती है। अगर पेशेंट को दर्द की समस्या रहती है, ये खासतौर पर दी जाती है ईडीमा में, जहाँ पेशेंट को यूरिन रिटेंशन या वाटर रिटेंशन के कारण शरीर में या शरीर के किसी भी हिस्से में वहाँ पर पेशेंट को ईडीमा की शिकायत आ गई हो, स्वेलिंग आ गई हो या फिर बर्निंग सेंसेशन भी रहती हो, दर्द का सामना कई बार पेशेंट को करना पड़ता हो, तो ऐसे केसेस में दी जाती है। इसके अलावा इसमें डाली गई है आयोडम। ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है हाइड्रोसिल के। पेशेंट को तब दी जाती है जब हाइड्रोसिल में पेशेंट को स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ रही हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें ग्रेफाइटिस डाली गई है। ये दवाई खासतौर पर ऐसे पेशेंट में दी जाती है जहाँ सेंसिटिविटी देखने को मिलती हो। इसमें सल्फर डाली गई है। रात के समय अगर पेशेंट को इचिंग होती हो, खुजली होती हो अंडाशय में, जब भी पेशेंट रात को सोने के लिए जाता है तब ये सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसे केसेस में हाइड्रोसिल के सल्फर दवाई दी जाती है। अब इसके डोजेस की बात करें तो अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, आप तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। क्रोनिक केस में डॉक्टर की निगरानी में ही आप सलाह ले या ट्रीटमेंट ले। दोस्तों, एक्यूट केस में अगर आपको 2-4 दिन से कुछ ये समस्या देखने को मिल रही है तो 10-15 ड्रॉप थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। लेकिन क्रोनिक केस में कुछ और दवाइयों की कई बार जरूरत होती है, इसलिए आप डॉक्टर से मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।